हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वो भी डिटेल्स के साथ दोस्तों और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। और हाँ, आज रक्षाबंधन है तो आप सभी भाइयों और बहनों को दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के अवसर पर आप सबकी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि ऑफर के लिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे जो भी वीडियो कोर्सेज हैं, जो भी ई बुक्स हैं या जो भी मॉक टेस्ट हैं, सभी पर 50% का डिस्काउंट आज के लिए लागू किया जा रहा है। इसके लिए कूपन कोड है राखी50, याद रखिएगा कूपन कोड राखी50, RAKHI50। ये कूपन कोड आपको एंटर करना है, इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है, तब आपको मिल जाएगा डिस्काउंट हमारे सभी पेड कॉन्टेंट पर एमजेटी ऐप पर। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, लखनऊ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है दोस्तों भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। देखिए पूरा नाम जो मैं बोल रहा हूँ यही है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले इसका नाम था इकाना स्टेडियम। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्हीं को कपड़ा मंत्रालय भी दिया गया है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ब्रिक्स समूह के पहले बैठक की अध्यक्षता रशिया ने की थी, कब की थी? 2009 में की थी। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर इन सीरीज किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं मनोज वाजपेयी। देखिए सीरीज की कैटेगरी में जो वेब सीरीज होती है उसमें बेस्ट एक्टर चुने गए हैं मनोज वाजपेयी इंडियन फिल्म एंड फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में। पूरी लिस्ट क्या है इसको जानते हैं। देखिए इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है सोराराई पोटरू को। किसे? सोराराई पोटरू को। ध्यान से समझिएगा, वेब सीरीज में अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे मिर्जापुर सीजन 2, लेकिन अगर पूछा जाए ओवरऑल बेस्ट फीचर फिल्म तब आप बताएंगे सोराराई पोटरू। ओके, और यही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में ही अगर बेस्ट एक्टर पूछा जाए मेल कैटेगरी का तो सूर्या शिव कुमार को चुना गया है इसी मूवी के लिए, सोराराई पोटरू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस या कहें कि बेस्ट एक्टर इन फीमेल चुना गया है विद्या बालन को। शेरनी फिल्म आई थी अभी हाल फिलहाल में, उस फिल्म के लिए। इसके अलावा निमिषा संजय को भी चुना गया है द ग्रेट इंडियन किचन के लिए। और वहीं बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं अनुराग बसु लूडो फिल्म के लिए। अब देखिए सीरीज की कैटेगरी में, वेब सीरीज की कैटेगरी में बात किया जाए तो बेस्ट वेब सीरीज चुने गए हैं मिर्जापुर सीजन 2। बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस इन सीरीज सामंथा अक्किनेनी द फैमिली मैन 2 में। बेस्ट एक्टर इन सीरीज में मनोज वाजपेयी जी को चुना गया है द फैमिली मैन 2 के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हुनरू की ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर दोस्तों एक बार फिर से है एप्पल। एक्चुअली में टॉप 6 कंपनियां जो हैं एज इट इज हैं, जैसे थी पिछली बार लिस्ट में वैसे ही इस बार भी टॉप 6 तक है। टॉप 500 की ये लिस्ट जारी की गई है किसके द्वारा? हुनरू के द्वारा। लिस्ट कोई भी किसके द्वारा जारी की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो हुनरू की एक ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट है, इसमें एप्पल टॉप पर है, अमेरिका की कंपनी है। टॉप 6 कंपनियों में बात करें तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट और फेसबुक और टेंसेंट है। ये सभी 6 पिछली बार भी टॉप 6 पर थी, इस बार भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों भारत में टॉप पर कंपनी है, ओवरऑल इसकी रैंक है 57। अब देखिए इसी रैंकिंग को एक दूसरे व्यू से अगर देखें तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जहां की कंपनियां इस लिस्ट में लिस्टेड हैं, तो उसमें अमेरिका है टॉप पर जिसकी 243 कंपनियों को जगह मिली है इस लिस्ट में, तो अमेरिका हो गया टॉप पर। सेकेंड पर चाइना है दोस्तों, इसकी 47 कंपनियां जो हैं इस लिस्ट में हैं, दूसरे स्थान पर है सबसे ज़्यादा कंपनियों के मामले में। तीसरे पर है जापान 30 कंपनियों के साथ। वहीं भारत की पोजीशन आती है 9वीं, ठीक है। भारत की 12 कंपनियों को जगह मिला है इसमें, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है $188 बिलियन के साथ। क्लियर। अगला देखते हैं, इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने? तो इंडियन बैंक के नए MD और CEO दोस्तों बन गए हैं शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन आएंगे पद्मजा चंद्रू जी की जगह पर। इनको अगले 3 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है, यानी ये अगले 3 वर्ष के लिए होंगे इंडियन बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
ये इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो ये 1907 में इस्टेब्लिश हुआ था, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है। और अभी जब 1 अप्रैल 2020 को 10 बड़े बैंकों का विलय कर दिया गया, 4 बड़े बैंकों में, उनमें से एक बैंक इंडियन बैंक भी था। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है, तो इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में जुड़ा है, इसको आपको याद रखना है। कब जुड़ा गया? 1 अप्रैल 2020 को, जब 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था। इस पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब इंडियन बैंक आया है, पिछले दिनों में इंडियन बैंक क्यों क्यों रहा था चर्चे में, इसको भी जान लीजिए। तो इंडियन बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में जो पैरालंपिक कमेटी है उसके साथ समझौता किया है। अभी पैरालंपिक दोस्तों शुरू होने वाला है 24 तारीख से, ठीक है, 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर से पैरालंपिक शुरू होंगे, टोक्यो पैरालंपिक। इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है, जो पैरा एथलीट होते हैं उनके लिए होता है। तो वहां पर पैरालंपिक कमेटी के साथ इंडियन बैंक ने समझौता किया है। इंडियन बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में अपनी तरीके का एक पहला फ्लैगशिप बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा। क्या? एमएसएमई प्रेरणा नाम का, प्रेरणा नाम का एक फ्लैगशिप मॉनिटरिंग बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने चाहिए इंडियन बैंक से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, कहां पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, कई का शिलान्यास किया है। कब किया? 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है इन्होंने? इन्होंने दोस्तों सोमनाथ सैरगाह का परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि प्रसाद परियोजना के तहत आएगा, और इस पर 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र जो है, एग्जीबिशन सेंटर जो है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए एक पर्यटक सुविधा केंद्र इसी कैंपस में विकसित किया जाएगा पर्यटकों के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो जूना सोमनाथ के पुनर्निर्मित निर्मित मंदिर परिसर है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा, जिसको रानी अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये है कि इसे रानी अहिल्याबाई जी ने बनवाया था, इसका जीवनोद्धार भी कराया था। इन्होंने इसी मंदिर के कैंपस में पार्वती माता जी की मंदिर की आधारशिला रखी है, श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो इस परियोजना पर भी काम चालू हो चुका है, ठीक है। तो इन परियोजनाओं का, प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात का सोमनाथ मंदिर दोस्तों वही मंदिर है जहां पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था और लूटा था इसे, तो इसे याद रखना है आपको। अगला, हाल ही में कब संस्कृत सप्ताह 2021 मनाया गया? तो संस्कृत सप्ताह दोस्तों मनाया जा रहा है 19 अगस्त से, ये मनाया जाएगा 25 अगस्त तक। 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। अभी देखिए संस्कृत दिवस भी मनाया जाएगा, संस्कृत दिवस आज है यानी रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त 2021 को दोस्तों संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है, और इस पूरे वीक को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। संस्कृत भाषा को, क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है, इस भाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, इसको पॉपुलर करने के लिए और इसकी महत्वता को बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस श्रवण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन महीने का आज पूर्णिमा है, तो इसी दिन ये दिवस मनाया जाता है, 22 अगस्त को इस बार रखा गया है डेट, ठीक है। अच्छा, सबसे खास बात ये कि ये दिन जो होता है ये रक्षाबंधन का दिन होता है, श्रावण मास का जो पूर्णिमा का दिन होता है, ठीक है। तो रक्षाबंधन के दिन ही एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था, भारत सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी रक्षाबंधन के अवसर पर। क्लियर। अगला देखते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, इसे भी याद रखना है आपको। वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं हमारे समाज में, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, इनको सम्मान देने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, इनके अनुभवों से सीखने के लिए, और साथ ही साथ इनके प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है या होता है उनको रोकने के लिए, उनसे इनको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, एक प्रकार का अवेयरनेस डे है। इसकी घोषणा पहली बार तो 1988 में दोस्तों रोनाल्ड रीगन के द्वारा किया गया था, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, लेकिन ऑफिशियल तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा की गई 1990 में 1990 में।
तो इसके बाद पहली बार 1991 में ये मनाया गया 21 अगस्त को। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदल कर क्या रखा? तो तालिबानियों ने दोस्तों अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर ही लिया है, अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया है। अफगानिस्तान का नया नाम है अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। बहुत ही ध्यान से इन चारों ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से ऑप्शन मैंने सेट किया है जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, आप अभी से ही अपना कंफ्यूजन दूर कर लें, वरना एग्जामिनेशन सेंटर में ऐसे ही अगर घुमा दिया गया तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है इसका नया नाम अफगानिस्तान का। अच्छा, इन्होंने अपना राष्ट्रपति भी चुन लिया है, इन्होंने नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अपना नया राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तालिबान को ये नाम पहली बार नहीं मिला है, तालिबान इससे पहले भी जब शासन करता था, जब 1996 या कहें कि 1998 प्रॉपर तरीके से, उसके बाद वहाँ से 2001 तक इसने शासन किया था अफगानिस्तान पर, इससे पहले भी। इसकी स्टोरी मैं किसी दिन एक वीडियो बना करके बताऊँगा पूरा, तालिबान का जन्म किसने दिया, इसको जन्म किसने दिया, बढ़ावा किसने दिया, और अब आते आते ये क्या हो गया है, किसके खिलाफ हो गया है और किसके सपोर्ट में हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका ने ही इसे बनाया था और अमेरिका ने ही इसे उखाड़ फेंका था 2001 में। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तालिबान इतना समझिए, तालिब का मतलब होता है छात्र, ठीक है, छात्र यानी स्टूडेंट, और स्टूडेंट का जो विंग होता है, स्टूडेंट की जो एक प्रकार से संगठन होती है, उसे कहते हैं तालिबान। हालांकि अब तालिबान जो है ये वो तालिबान नहीं रहा जो छात्रों वाला जो विंग हुआ करता था। स्टूडेंट विंग्स की एक लड़ाई से लेकर के ये पूरा एक देश तक पहुँच गया है। ओके, तो तालिबान जो है इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा, और अभी नहीं, रक्षाबंधन की बात आते हैं वापस, उसके बाद फिर इस पर वीडियो देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने लॉन्च किया है दोस्तों इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस लोन इनिशिएटिव प्रोग्राम। इसके तहत जो SMEs हैं, SMEs बोले तो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो हैं, एंटरप्राइजेस जो हैं, इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इनको लोन देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसके लिए फेसबुक इंडिया ने एक ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफी के साथ इसने समझौता भी किया है, करार किया है। ओके, तो फेसबुक के द्वारा ये शुरू किया गया है स्मॉल बिजनेसेस को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। फेसबुक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, फाउंडर और CEO हैं इसके मार्क जकरबर्ग। अच्छा, भारत में दोस्तों जो न्यू IT एक्ट आए हैं, नए IT नियम के अनुसार दोस्तों जब मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किए जाने थे, इसमें फेसबुक ने अपना मुख्य शिकायत अधिकारी भारत के लिए नियुक्त किया स्फूर्ति प्रिया को। किसे? स्फूर्ति प्रिया को। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स लगे हैं, पूछे जाएंगे जरूर। और वहीं व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया परेश बी लाल को। किसे? परेश बी लाल को। ये व्हाट्सएप के मुख्य शिकायत अधिकारी हैं भारत में। ट्विटर जो है दोस्तों ये जेरेमी कैसल को नियुक्त किया था, लेकिन फिलहाल वो इस्तीफा दे दिए। ओके, अच्छा, अभी डेली GK टेस्ट की वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है तबीयत की वजह से, और ये कंटिन्यू होगी दोस्तों अब रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन की छुट्टियां हो रही हैं, इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं इसको। हो सकेगा 24 नहीं तो 25 तारीख से ये कंटिन्यू होगा डेली GK टेस्ट जो इवनिंग में होता है 7 PM पर। अगला, पुणे में आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पुणे में आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदलकर दोस्तों नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा के सम्मान में पुणे में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, उसी में उसका एक कैंपस में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम अब नीरज चोपड़ा के सम्मान में रख दिया गया है। इसका नाम नया होगा नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम। नीरज चोपड़ा दोस्तों एथलेटिक्स में ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। अभी तक एथलेटिक्स में इंडिया को कोई सा भी गोल्ड नहीं मिला था, इस बार पहली बार गोल्ड मिला है, इस वजह से जगह जगह इनको सम्मानित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी दोस्तों कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी के ही सम्मान में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अब से मनाया जाएगा, नेशनल जेवलिन थ्रो डे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का भाला फेंक कर, इतनी दूरी तक भाला फेंक करके एक गोल्ड मेडल जीत करके भारत के लिए इतिहास रचा हुआ है। एथलेटिक्स में भारत का ये पहला गोल्ड था, इस बार के ओलंपिक में इकलौता गोल्ड था। ओके, ओलंपिक पे मैंने वीडियो दी है, आप देखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, BARC इंडिया के CEO कौन बनाए गए?
बार्क इंडिया के दोस्तों नए सीईओ बनाए गए नकुल चोपड़ा। देखिए ये BARC वो वाला नहीं है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला नहीं है, ठीक है। इस BARC का दूसरा मतलब है, इसका मतलब है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए सीईओ बने हैं नकुल चोपड़ा। ये किसकी जगह पर आए हैं? सुनील लुल्ला जी की जगह पर, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दे दिया है सीईओ के पद से। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और चेयरमैन है पुनीत गोयनका। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना। और हाँ, आज रक्षाबंधन पर जो विशेष ऑफर आपको दिया गया है, आज लास्ट मौका है, सिर्फ आज के लिए है। तो जो लोग आज़ादी के ऑफर्स में इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, आज आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है राखी50। क्या? राखी50, स्पेलिंग याद रखिएगा, कैपिटल लेटर में RAKHI 50, विदाउट स्पेस कैपिटल लेटर में आपको लिखना है कूपन कोड। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है। बिना अप्लाई पर क्लिक किए दोस्तों आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो अप्लाई पर नहीं क्लिक करते हैं, केवल कूपन कोड डालते हैं। कूपन कोड डालने के बाद उसको अप्लाई क्लिक कीजिए, तभी माइनस होगा, इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी, आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए, और आपको एप्लीकेशन पर तो ये सारे कोर्सेस मिल ही जाएंगे MZT ऐप पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर है? दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किस राज्य की सड़क परियोजना है? तीसरा, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? और चौथा क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? अच्छा, कल मैंने आपको UP GK का एक स्पेशल UP स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो दिया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर देखिए। UP स्पेशल करंट अफेयर की वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उसमें लिए गए हैं। UPPET का आपका एग्जाम लगा हुआ है, एग्जाम से पहले उस एक वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपका कम से कम 5 नंबर तैयार हो जाएगा, 5 नंबर की आपको मदद मिल जाएगी एग्जाम में। ओके, तो बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।